भाजपा के उड़ गए तोते, 7 दिन से ज्यादा हो गया लेकिन सीएम का चेहरा तय नहीं कर पाए। बता दें कि राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हार की समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विधानसभा के चुनाव में काम के ऊपर चर्चा नहीं हुई और बीजेपी वाले बस कन्हैया लाल मर्डर पर चर्चा करते रहे, तनाव का माहौल बनाकर शुद्धिकरण किया, इसलिए भाजपा जीत गई। बता दें कि गहलोत ने कहा कि भाजपा की पोल खुलती जा रही है, 7 दिन तक तुम मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पा रहे और बात करते हैं कि हमारी पार्टी में अनुशासन है। सुखदेव सिंह गागमेड़ी हत्याकांड पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सुखदेव सिंह गागमेड़ी की हत्या पर मामले में मुझे NIA जांच करने पर कोई आपत्ति नहीं होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षेप और हस्ताक्षर करने पड़े, जबकि यह काम नए CM को करना चाहिए था, लेकिन लगभग हफ्ता भर हो गया बीजेपी एक CM चयन नहीं कर पाई। मैं जानता हूं कि वे इस पर जल्दी फैसला लें। बीजेपी पर हमला करते हुए गहलोत ने कहा कि 7 दिन हो गए लगभग, अभी तक अपना चेहरा घोषित नहीं कर पाए और ये हम पर आरोप लगाते हैं कि इस पार्टी में बिखराव और इस पार्टी में अनुशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है। इस पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा आए दिन होते रहते हैं इधर उधर खेल, लेकिन बीजेपी इस पर पूरा का पूरा जोर नहीं दे रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश को लेकर के भी बहुत बड़ा चर्चा की गई है, वहाँ पर भी CM को लेकर बड़े बड़े बदलाव करने के आरोप आए हैं, लेकिन वहाँ पे फर्जीवाड़ा से वोटिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ पे आरोप लग रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर अभी नए CM के चेहरे को लेकर के यहाँ पे गहलोत ने जो बयान दिया उस पर बीजेपी और ज़्यादा भड़क गई। इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो कर सकते हैं।